भोपाल से खबर है जहां पर वन मंत्री विजय शाह के विदेश दौरे पर विवाद पनप गया है। चीतों की स्टडी के नाम पर 32 लाख खर्च करने का ही आरोप है। 21 से 30 अगस्त तक साउथ अफ्रीका दौरे पर थे वन मंत्री और दौरे से आने के बाद भी सार्वजनिक नहीं हुई स्टडी और स्टडी का रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। यात्रा की प्रस्तावित राशि से ज्यादा खर्च का आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीतों की स्टडी को लेकर बाकायदा एक भारी भरकम अमाउंट लिया था, 32 लाख रुपए खर्च किए थे चीतों की स्टडी के लिए और इसीलिए 21 से लेकर 30 अगस्त तक साउथ अफ्रीका में दौरे पर थे वन मंत्री। लेकिन जब वहां से लौटे हैं उसकी रिपोर्ट, स्टडी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि ये भी खुलासा हुआ है कि यात्रा के प्रस्तावित राशि से ज्यादा अमाउंट खर्च किया है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टडी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में आरटीआई के तहत जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो सबसे चौंकाने वाली है। और इस चौंकाने वाली जानकारी में बता दूं कि तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च किए जाने चाहिए थे लेकिन खर्च कर दिए गए 35 लाख रुपए। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के पीसीसीएफ और वन मंत्री विजय शाह, ये तीनों लोग जो थे वो तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए थे स्टडी टूर के नाम पर। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप स्टडी टूर कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में आप स्टडी टूर करते हैं, दिसंबर तक स्टडी टूर की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है और रकम एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार रोजाना कर्ज लेती है तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का अपनी सुविधा के अनुसार, जिस तरीके की व्यवस्थाएं रहती है, जिस तरीके की स्थितियां रहती हैं, उस कर्ज लेने के बाद यदि मंत्री तय रकम से दुगनी रकम खर्च कर जाते हैं और उसके बाद स्टडी टूर के नाम पर वो रकम खर्च की जाती है तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कौन सी स्टडी करने मंत्री विजय शाह गए थे जिसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, तय रकम से दुगनी रकम खर्च कर दी गई लेकिन स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक। सवालों को भी जानते हैं, करीब से जानते हैं, क्या लगता है कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है सार्वजनिक? देखिए दाल में कुछ काला है सीधे तौर पे, यही कारण है कि कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और इसी पूरे मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने जब उठाया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी निकाली और इसके कई दस्तावेज जो है चौंकाने वाले वो निकल कर सामने आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम वन मंत्री विजय शाह के बंगले भी पहुंचे थे उनसे प्रतिक्रिया जानने के लिए, लेकिन वन मंत्री विजय शाह यहाँ मौजूद नहीं है, वो अभी प्रवास में है, बाहर है, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस पूरे मामले में कि वन विभाग को, मध्य प्रदेश के वन विभाग को चीता प्रोजेक्ट में बहुत कुछ करना नहीं था, ये केंद्र का प्रोजेक्ट था बड़ा, वो केंद्र इसके लिए पूरा कामकाज कर रहा था। एक ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल, उसने भारी भरकम बजट दिया था इस मामले पर। मतलब साफ है कि जब मध्य प्रदेश की भूमिका स्टडी के नाम पर कुछ नहीं होनी थी तो आखिर ये स्टडी की क्यों गई और की गई तो इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। सवाल सबसे अहम ये भी हो जाता है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर हमला भर है और जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। ठीक है, तो देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, किस तरीके से स्टेटमेंट आता है। फिलहाल डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए अजय आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज।